नमस्कार आपण समस्तंकु वेलकम करूछि स्वागत करूछि मो चैनल आयुष मती किचन को मु आपण का पई आज गोटे बहुत ही बढ़िया स्नैक्स एंड मॉर्निंग रो नहीं आस बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग जोटा कि आप जदि या खाइबे तो आप सिंगड़ा कुरकुरी एट्रेसेट्रा जहाँ भी अच्छी आप सब को भूल कि पूरा आप ही चॉइस करेंगे बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जोटा कि आपण घरे ऑलवेज अवेलेबल थाए से ही मुझे किसी एक्स्ट्रा किसी अलग बनैबी तेज चलतु आम से रेसीपी को देखा जार नेम हो कचौड़ी राजस्थान रो फेमस से कचौड़ी मुझे देखेबी एंड बहुत ही सिंपली वे रे देसी स्टाइल तेज चलतु आम केमी बनवा एंड तार प्रोसेस कौन कौन रंड तार सामग्री कौन कौन रही बिल्कुल भी व्यस्त हूँ तार सामग्री जहाँ भी रुक पूरा कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन में देदेवि तो आप डिस्क्रिप्शन में तार सामग्री देखिपर तेज चलतु तार वे अफ द मेकिंग केमती आम बनवा से आम कचोड़ी को पूरा प्रोसेस देखा तेज चलतु आम किचेन पाखक जा ए देखु आम कचोड़ी बनवाई प्रथम आम कौन करें गोटे कप अटा नहीं जाइए गोटे कप अटार आप कौन करेंगे किसी हाफ कप आप मैदा नहीं जाए मुझे हाफ कप मैदा नहीं जाइए आप प्रथम कौन करेंगे गोटे कप अटा तापर मैदा नहीं जाए मैदाटा ये ना कि आम कचोड़ीटा पूरा आउट बहुत ही बढ़िया खास्ता बनबो ओके एमें ये मिसेद गोटे कप अटा सहित हाफ कप मैदा मिसेदेले एबे जुआनी आपने किछि नै जिवे देखंतु जुआनी को आमे आपण कोन करबे हाथ रे टिके एमती मंथि देबे ताकि जुआनी रो बासनाटा भलो आसीबो आ आपण को खाइबा पई मध्ये भलो लागिबो जुआनी आमे टिके नै गेले हाफ टी स्पून नै जाई छे जुआनी तापर आपण तापर 1 टी स्पून आपण कोन करबे गोटे टी स्पून नै जिवे 1 टी स्पून घी नै जिवे आपण घी जगह रे ऑयल मध्ये यूज करि परिबे एबे टेस्ट अनुसार आपणकर स्वाद अनुजाई आपण लुण नहीं जिवे एबे एको आमे भल भाव पूरा मिसई नबा आमर लुण जुआनी आ तेल मैदा अटा ये सब आम जमी भल भाव पूरा मिक्सिंग हो देखु बहुत ही भल भाव जी आप दरकार जी आप घर में मेम्बर अच्छा से अनुसार देखते आम तेल देदे आपण को एमती पूरा जमी मुठा टाइप बनी जामी ही आपण को पूरा बनीज देन जानवे कि आपणकर खास्ता आम जो कचोड़ी बनाऊे सी आप परफेक्ट हम एवं आम कौन कर अल्प टिके पा नहीं जावा गोटे डो बनवाई जमीक आप रुटी बनवाई जमी दरकार से ही कंसिस्टेंस ही आपईक या गोटे डो बन भल भाव जेतिके पानी दरकार होची अल्प धीरे धीरे दियंतु एका टाइम रे दियंतु नी एका टाइम रे देले आपनकर गिला भी हो जाय पारे सो आपनकु परे पोइंटर प्रॉब्लम हबो त आपन कोन करबे अल्प धीरे धीरे अल्प टिके टिके पानी नेकी प्रथमे स्टार्ट करबे ए देखंतु डो आपनकर पूरा बिल्कुल प्रिपेयर हे आसलानी प्रस्तुत हे आसलानी बिल्कुल भी आपनकु ही आपनकु भी एमिति ही करिवार अछि बस एमती गोटे डो बनबे ये आम देखते डो पूरा कम्प्लीटली हो गला एमती ही आपण को डो बनबार अच्छी एमें सैड्रे केवल टिके 10 मिनिट्स पाई सैड्रे रखीदा टिके घोड़े की रखने या सैड्रे से ही भितर आम कचोड़ी पाई जो आम जोटा कि बहुत ही बढ़िया मेन इनग्रीडियंट्स मुझे कहीदेवी डिस्क्रिप्शन में आपको कहीदेवी आपको कौन कौन जिनस दरकार आप डिस्क्रिप्शन 100% पाइपारे तो मुझे देखूँ आलू नहीं जाइए सीझा आलू ये आप देख पार छोट छोट आलू सीझा आलू नहीं जाइए मुझे ये कम से कम 4 8 सात आठ टी आम आलू नहीं जाइए सीझा आलू छोट छोट तापर यहाँ मुझे अदा को ग्रेड कर आई रहा आपण रसुण रसुण आप ग्रेड करेंगे बट आपर रसुण जब आम पीस पीस ये आम काटूँ कचोड़ी देवाई तो ये आप टेस्टा आउ टे बढ़ी जाए आउ टे अधिक भल लगे तो आम कौन करवाबे आलू को आउ गोटे प्लेट्रे आम आलू को कौन करवा भल भाव आम ग्रेड कर कि हाथ साजे आम चकुटी नहीं पारे यामी आम चकुटी नवा आउ हाँ आपण को जो आपड़ी चकुटें पूरा प्लेन या पेस्ट करदेवे टिके दरदरासा रही आपण को यहाँ भल लगे हो गला एबे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जीबा
ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ମୁଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍। ଟିକେ ଏବେ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ସୋରିଷ। ଆପଣ ଦେଇଦେବେ 1 ପିଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ପିଞ୍ଚ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ସୋରିଷ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସୋରିଷଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ଆମର ସୋରିଷ ଏବେ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ରସୁଣ, ସେ ରସୁଣକୁ ହିଁ ଆମେ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ରସୁଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଚୁଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ କାଟିକି ବନାନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଯିବା। ଅଏଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ହଳଦୀର ବାସ୍ନା ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଆମର ରହିଲା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ, ସୋ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଆମେ କମ୍ ଖାଉ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଇଏ ଆଳୁର କଚୁଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବିଲକୁଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କେମିତି ବନେଇବେ ଆଳୁର କଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ହେଇଆସିଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଆସିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରିବେ। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ନେବାର ଅଛି, ବାସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ୍ତା କଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇ ନେଲେ ମସଲାଟା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସମୟ ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ, ପୁରା କେମିତି ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ଟିକେ ସରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅଟା ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ସବୁଟିକୁ ଗୋଲେଇ କରିନେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମିତି। ବାସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣ ସବୁଟିକକୁ ବନେଇ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଅଏଲ୍ ସରି ଅଟା ନେଇଯିବେ ତାକି ଆମର ଲାଗିବନି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଅଧିକ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବେନି, ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲେ ସେଇ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସଲା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ନେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ହାକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗୁନି ତ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଟିକେ ବଳି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବେଲି ଦେଇପାରିବେ, ବନା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମିଜିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବନିଗଲା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିଜିରେ ହିଁ ଇଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଟିକେ ସେ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାକି ଟିକେ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି। ସବୁଟିକକୁ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଆପଣ ଭିତରେ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସବୁଟିକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଯେତିକି ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଥିଲେ, ତେଲ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ସେ ପୁରା ଦେଇଦେବା। ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତେଲ ଗରମ କରିନେବେ, ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତେଲ ଗରମ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ଆମର କମ୍ ତେଲ ଅଛି, ତେଲ ନାହିଁ।
तेल आज ना तो कम तेल आपको देखी दूसरी बास प्रोसेस आपति करेंगे से प्रोसेस मुझे देखी दूसरी आपड़ बहुत भलसे बाकी पूरा तेल दे कि आराम से बहुत भलसे करेंगे मुझे कम तेल देखे नौ बास या फ्राई करार अच्छे तो ये देखु लो फ्लेम अधिक हाई फ्लेम करें लो फ्लेम मीडियम फ्लेम करें एको फ्राई करिबा बर्तमान ही आसलानी गोटे पट साइड चेंज करदे एवं आउ गोटे पट साइड करदेचे अलरेडी बर्तमान ही गला बर्तमान पूरा कम्प्लीटली देखी पारुचंती पूरा आमर ये फुली जाइए देखते केमी पूरा फुलिकी अच्छी सेमती ही आप बनब पूरा खस्ता कचोड़ी आपको पूरा कम्प्लीट देखेदेवी आप मन रखते लो फ्लेम करेंगे लो फ्लेम कर खास्ता बने देखते से गोटे मुझे काढ़ी नहीं आसली केमती देखा प्रोसेस सबुटी को आपटी ही पूरा फ्राए करे से प्रोसेस सबुटी कचोड़ी को एमती बनईने गोटे पट हो सारापर आ गोटे सैड आप चेज करेपट भी आम फ्राई हो लो फ्लेम करूँ लो फ्लेम करूँ खास्ता बहुत भल हम बारंबार कहूँ मन रखु ये भी देखते आम कम्प्लीटली आसला गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं आसवा सबुटी ही आपटी ये प्रोसेस ही बनई जी आप दरकार जीक आप बनई सबुटी को ही आई प्रोसेस बनई देखते केमी फुलू आपणकर भी एमती ही बिलकुल हम बहुत ही बढ़िया से एक धीरे से बस देखु मतलब पूरा आराम से करूँ कहीं ऑयल गरम अच्छी तो टिके आप जल्दी टिके भी आपटी अन्यमनस्क हे तो आपणकर बॉडी रे भी लगी पारे ऑयल देखते कितने बहुत ही बढ़िया से आपणकर ये पूरा फुलिकी भितर पूरा सीझुची बहुत ही बढ़िया से सबुटी ही आपटी ही बनइबे ये देखु आम सबुटी कचोड़ी पूरा गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं आसले बहुत ही बढ़िया से देखते आम कमी आलुर कचोड़ी केमी बहुत ही बढ़िया से आपन को पूरा प्रिपेयर करदे आम देसी स्टाइल रे आपण ही एमती बनातु सतरी ये बहुत ही बढ़िया आपंकर खास्ता बनी बहुत ही बढ़िया आपंकर टेस्टी लगे यही उपाय ही बनतु बाकी जीक आपंकर सामग्री मुझे यूज कर कम्प्लीटली पूरा डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप डिस्क्रिप्शन में पारे मुझे गोटे पूरा भांगिकी देखी दौ केते खास्ता बनई आप देखिपर बहुत ही बढ़िया भितर देख पारे ये देखते केते भितर केते बहुत ही बढ़िया पूरा खास्ता बनई एंड मसला पूरा भरी होगी अच्छी आपण को ये सतरे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग लगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे आपण को खाई सारापर पूरा भूली जी आप सिंगड़ा खावा भूली जी एवं तेज देखा आम आउ गोटे रेसीपी सहित आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित देसी स्टाइल से पर्यटन आपटी ही टेस्टी टेस्टी बनवा खावा बनईकी खातु एंड कचोड़ी कचोड़ी रेसीपी आपड़ा केमी लगे आपको आप कमेंट में निश्चय कहतु ये बहुत ही बढ़िया जिते बड़े आपंकर घर किसी नीचे नुआ करी खाइबार चेष्टा आपड़ निश्चय करेंगे कचोड़ी बहुत ही बढ़िया आपन को भल लगे आप सहित स्पेशली धनिया चटनी किंवा सॉस टमाटर चटनी एंड टी टी सहित भी नहीं पारे इवनिंग टी मॉर्निंग टी बहुत ही बढ़िया लगे तेज देखा हाँ आउ गोटे रेसीपी सहित एगेन पुणी थर आपको नमस्कार करुच्ची एंड हाँ जीवा पूर्व आपको ये कह सब्सक्राइब निश्चय करेंगे सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपटी बहुत सारा भिडर नुआ नुआ नोटिफिकेशन निश्चय पापारे बहुत सारा भिड देखिपर एंड सेयार निश्चय करेंगे ताकि बहुत लोग जानती ये रेसीपी को कमेंट निश्चय कहे आपको केमी लगे तेज अगेन मुझे पुणी थे नमस्कार करुच्ची थैंक यू एंड नमस्कार।